तो ये चार डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे इम्पॉर्टेंट हैं आप सब के लिए, अवेयरनेस के लिए भी, नॉलेज के लिए भी, टेक्निकल मालूमात के लिए भी। एक तो है दिस इज़ आरकेबी, इसमें पूरी मालूमात मिल जाती है आपको कि कंपनी क्या है, क्या काम करती है, कब से कर रही है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इंटरनेट पर ले जाएगा और ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा पीडीएफ में, जिसके अंदर सारी टाइप्स की प्रोडक्ट्स जो स्टील में इस्तेमाल होती है उसकी मोनोग्राम्स, उसकी नॉमनक्लेचर, उसकी डिटेल दी हुई है, उसका डिजाइन वेरिएंट दिए हुए हैं। हम कहते हैं अच्छा ब्रास में तो चार डिफरेंट वेरिएंट आते हैं, MMA MB ML, तो आप उसमें से कौन सा वेरिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं? तो पॉसिबिलिटी है कि आपने एम मांगा हो, सप्लायर ने MA दे दिया हो। विजुअली देख के आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि क्या फ़र्क है, और आप इस्तेमाल करेंगे लाइफ आपकी 3 साल की बजाय 2 साल पे आ जाएगी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इस डॉक्यूमेंट में आपको मिल जाती है। प्रोडक्ट ब्रोशर में आपको तमाम प्रोडक्ट की डिटेल्स मिलेंगी, आप उसमें नंबर देख सकते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करके साइज से नंबर निकाल सकते हैं, वो पूरी मालूमात भी आपके लिए कैटलॉग में मौजूद है। यहाँ पे एक्चुअल हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजिकल सेंटर के अंदर एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे होती हैं, इसमें पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग भी शामिल है, यहाँ से पूरी कंपनी ड्राइव की जाती है, यहाँ ट्रेनिंग सेंटर भी है, यहाँ प्रोडक्ट का डिस्प्ले सेंटर भी है, यहाँ इंजीनियरिंग डिज़ाइन प्रोक्योरमेंट ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से ड्राइव की जाती है। ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जिसके अंदर डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए। ये मेन लेबोरेटरी है स्विस में, हम पहले बेयरिंग को चेक करते हैं कि केमिकल कंपोजिशन ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, हार्डनेस वगैरह ठीक है, रेसवे प्रोफाइलिंग ठीक है, तो हम फिर आते हैं ऑपरेशनल पैरामीटर्स की तरफ। टेक्निकल टीम यूनिट का पूरा एक डिपार्टमेंट है हमारा वहाँ पे। अभी जितने भी स्टील इंडस्ट्री में हमारे कस्टमर्स हैं उनको जो भी प्रॉब्लम आता है वो हमें ईमेल लिखते हैं, टेक्निकल टीम यूनिट को हम डिटेल शेयर करते हैं, वो वेट करके बताते हैं इसके अंदर ये पैरामीटर्स अगर आप इस्तेमाल करें तो आपको बेयरिंग की लाइफ अच्छी मिलेगी। वेयर हाउस, ये भी हमारा मेन वेयर हाउस है स्विट्जरलैंड में। रेफरेंस अगर हम बात करें, ये चंद एक यहाँ पे रेफरेंस है जिसमें आप इन नामों को शायद ज़्यादा जानते हो। जैसे आप कहते हैं हमारा बेयरिंग ख़राब है, आप आए हमें हेल्प करें माउंट करने में, हम आते हैं आपको हेल्प करते हैं, तो हम उसको रिकॉर्ड करके उसकी पिक्चर्स वगैरह लेके तो अपने पास रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारी कितनी ज़्यादा रीच है मार्केट के अंदर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए। ये एक आपके सामने जैसे एग्जांपल है, ये मिडल ईस्ट में UAE वगैरह के अंदर बीम मिल स्टैंड के ऊपर एल शेप क्रॉस सेक्शन के अंदर जो बेयरिंग लगाते हैं उसका हम ये बेयरिंग पार्ट इनको दे रहे हैं। इसी तरह से ये USA में एक हॉट स्ट्रिपिंग मिल है जहाँ पे ये वाले आइटम्स हम इनको रेगुलर सप्लाई कर रहे हैं। ये मैक्सिको में है रोलिंग मिल जिसमें हम टेपर रोलर बेयरिंग इनको दे रहे हैं। टेक्निकल डिस्कशन पे आपसे रिलेटेड जो रोलिंग मिल की एप्लीकेशन है उसमें अगर आप देखें तो ये एक रोलिंग मिल का बेयरिंग है, 4 रो स्लंडी का रोलर बेयरिंग का, ये 2 रो एक्चुअली, और ये स्लैब कास्टर है, स्लैब कास्टर में इस्तेमाल हो रहा है। और इस बेयरिंग को ये टूट गया किसी कंपनी का, जैसे आप कहते हैं जी हमारा बेयरिंग है आप इसको इंस्पेक्ट करें, तो आपने हमें बेयरिंग दिया, हमने स्विट्जरलैंड अपनी लैब में भेजा, वहाँ पे इसकी इंस्पेक्शन किस लेवल पे होती है, किस लेवल पे हम आपको टेक्निकल कंसल्टिंग दे सकते हैं ताकि वो बेयरिंग दोबारा उस कॉज की वजह से ना टूटे, उसके ऊपर इस तरह की रिपोर्ट जनरेट करते हैं हम। सबसे पहले तो एप्लीकेशन का डेटा आपसे हम ले लेते हैं, असेंबली ड्राइंग, रोल ड्राइंग, कंप्लीट डिटेल ले लेते हैं, हमें आइडिया हो कि वो कहाँ लग रहा है, उसका एनवायरनमेंट क्या है, पैरामीटर्स क्या है, RPM कितने हैं, टेम्परेचर कितना है, लुब्रिकेशन का सिस्टम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी मालूमात लेने के बाद हम अपनी मेन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जो विजुअल इंस्पेक्शन से शुरू करते हैं। शुरू में हम बेयरिंग को काटते हैं, तोड़ते हैं, उसके डिफरेंट पीसेस निकाल के और उसको विजुअली इंस्पेक्ट करते हैं। विजुअल इंस्पेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले रोलर केज असेंबली से शुरू करते हैं, रोलर केज असेंबली, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे हम उसकी रोलिंग एलिमेंट की पिन्स, और फिर उसके बाद उसकी जो रोलिंग एलिमेंट से रिलेटेड पार्ट्स हैं उन सब को इंस्पेक्ट करते हैं, फिर इंटायर इनर रिंग, फ्रैक्चर्ड रोलर, फिर उसके बाद आपके डिफरेंट पार्ट्स बेयरिंग के जो डैमेज हो चुके हैं, फिर उसके बाद मल्टीपल फ्रैक्चर इनर रिंग्स के ऊपर जो है वो यहाँ पे आ गए, फिर उसके बाद आप देखें ये सारी विजुअल इंस्पेक्शन है कि लैमिनेटेड पार्टिकल्स आए हैं, अच्छा इसकी क्या रीजंस हो सकती है, ये सारी अभी ऑब्जर्वेशन इकट्ठी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर अभी मैं आपके सामने एक बेयरिंग लेके आता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये बेयरिंग क्यों टूटा है बताएं जी, तो आपका इनिशियल प्रोसीजर क्या होगा, आप कैसे चेक करते हैं कि ये क्यों टूटा है? ये तो साइजेस चेक करते हैं,
अगर तो उसके जो शॉर्ट साइजेस हैं वो क्या है? फटीक फेलियर हुए, ठीक है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही तरीका है कि आप स्टार्ट करते हैं शाफ्ट से, हाउसिंग से और लुब्रिकेंट से। जो इसके अंदर ज्यादा डिटेल में जाके काम करने वाला है वो है बेरिंग की विजुअल इंस्पेक्शन करना। तो कहते हैं ये बेरिंग जो है खराब हो गया है, लेकिन बेरिंग ठीक है, शाफ्ट घिस गई है, इतनी वियर हो गई है कि उसके ऊपर स्कोरिंग हो गई है, छल्ले बन गए। तो शाफ्ट की फोटो दिखा रहे थे, बेरिंग एक्चुअली मौजूद था। कह रहे हैं बेरिंग क्या बहुत हार्ड होता है जो बेरिंग खराब नहीं हुआ? बेरिंग पकड़ के मैंने कहा देखो इसकी शेप जो है रिंग की, इनर रिंग की, वो मिरर लाइक हो गई है। नया बेरिंग तो डल सरफेस होता है, तो इसका मतलब कि कोई चेंज आया इसके अंदर, चेंज ऑफ शेप। इतनी ज्यादा वियर हुई है, हाई आरपीएम के ऊपर शाफ्ट रोटेट किया अंदर, कि उसने उसको मिरर लाइक पॉलिशिंग सरफेस बना दिया है। और वो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे क्योंकि वो इतनी स्पीड पे हुई है, 1400 आरपीएम पे शाफ्ट अंदर रोटेट कर गई है, क्या वो मिस जज कर रहे हैं उसको। लेकिन उसको ऑब्जर्वेशन को तेज करने के लिए मैंने कहा साइड फेस चेक करें, साइड फेस आधा घिसा हुआ है, 3 मिलीमीटर डाउन हो गया है। शाफ्ट कॉलर के साथ लगा हुआ था ना, तो शाफ्ट कॉलर साथ टच करके घूम रही है, उसने उसको वियर कर दिया। साइड फेसेस दोनों उसके डैमेज हो चुके थे, जो वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना इसके अंदर कि किस किस तरह से क्या क्या चेंजेस आई हैं। वो सारी एक एक चेंजेस को नोट करने से हम फिर जा सकते हैं कॉजेज रेमेडीज की तरफ, वो हमें लीड करती हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये होती है कि जैसे एक है प्राइमरी कॉज ऑफ फेलियर और एक है सेकेंडरी कॉज ऑफ फेलियर। तो हमने ऑब्जर्वेशन के थ्रू कोशिश करनी होती है कि प्राइमरी कॉज ऑफ फेलियर को फाइंड आउट करें। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं हीटअप हुआ बेरिंग और बेरिंग खराब हो गया, तो हीटअप होना प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी कॉज है। हीटअप क्यों हुआ उस चीज को अगर हम देखेंगे, मिसाल के तौर पर इन्होंने कहा कि शुरू में लगाते हुए टाइट शाफ्ट थी तो इंटरनल क्लियरेंस लॉस होगी, दैट इज प्राइमरी रूट कॉज। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए ये हम प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं पाकिस्तान में भी और स्विस में भी। ये पूरा विजुअल इंस्पेक्शन है। विजुअल इंस्पेक्शन के बाद नेक्स्ट लेवल पे आता है जो आप भी करते हैं, केमिकल कंपोजिशन एनालिसिस। तो ये स्पार्क करके हम चेक करते हैं केमिकल कंपोजिशन हमारे बेरिंग के मटेरियल की क्या है। जब केमिकल कंपोजिशन चेक कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आता है माइक्रोस्ट्रक्चर एनालिसिस। माइक्रोस्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर हम देखते हैं चेंजेस क्या आई, जिसको हम फटीग लाइफ के साथ एसोसिएट करते हैं। फटीग लाइफ क्योंकि आप सारे स्टील इंडस्ट्री से हैं, तो फटीग लाइफ क्या होती है? फटीग लाइफ को आप कैसे, साइक्लिक लोड होता है। साइक्लिक लोड ऐसे है कि एक बेरिंग का एक इनर रिंग है या आउटर रिंग है, उसके अंदर एक पार्ट पे रोलर जब गुजरते हैं या बॉल जब गुजरते हैं तो उस पर लोड डाल के जाते हैं। तो साइक्लिक लोडिंग की शक्ल वो तब इख्तियार करता है जब सर्टन आरपीएम के ऊपर इस तरह से लोडिंग आना शुरू हो जाती है। इस पॉइंट से मतलब है हर पॉइंट के ऊपर। तो साइक्लिक लोडिंग का मतलब ये होता है कि इतने हजार मिलियन साइकिल्स के बाद इस मटेरियल की मैकेनिकल एंड केमिकल कंपोजिशन की वजह से जो लाइफ, जो इसकी वो स्ट्रेंथ है लोड बियर करने की, वो खत्म हो गई है। और जब खत्म हो जाती है, जैसे इस मटेरियल की फटीग लाइफ आज खत्म हो गई, तो क्या होगा? 100% क्रैक डेवलप होगा। और वो क्रैक कौन से होंगे? ज्यादातर केसेस में सब सरफेस इनिशिएटेड क्रैक्स, सरफेस के अंदर क्रैक आएगा। बाहर से आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक है यार, जबरदस्त, कोई नॉइज नहीं, कोई हीट नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन लाइफ खत्म हो गई, हमें नहीं पता। अब वो क्रैक आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करेगा और बाहर निकलेगा, सरफेस पे आएगा, तो वाइब्रेशन शुरू होगी, नॉइज शुरू होगा, लुब्रिकेंट डिटीरियोरेट होगा, वो फर्दर डैमेज करेगा, पिटिंग होगी, स्पेलिंग होगी, और जिसकी बुनियाद पे वो मटेरियल वीक होते होते डैमेज हो जाएगा। और आपको बंदे कहेंगे सर जी इस बेरिंग के अंदर एबनॉर्मल साउंड आ रही है, वाइब्रेशन लेवल 4.5 पे चला गया है, तो आप कहेंगे रोको यार, चेक करो। चेक करेंगे क्रैक होगा, इसका मतलब जब क्रैक डेवलप हुआ था और क्रैक बाहर आया उसमें 1 महीना लग गया, तो 1 महीना सर्विस लाइफ एक्स्ट्रा मिल गई, फटीग लाइफ 1 महीना कम थी। तो फटीग जो है वो चेक करने के लिए कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस कितनी आई हैं, ये किया जाता है। और इसके बाद फिर इंपॉर्टेंट चीज है जो हार्डनेस टेस्टिंग कहते हैं, नॉन मेटालिक इंक्लूजन असेसमेंट के बाद हार्डनेस टेस्टिंग। हार्डनेस टेस्टिंग बेरिंग की हार्डनेस होती है 57 HRC से 65 HRC। तो अगर उसके दरमियान नहीं आ रही तो इसका मतलब है या वो बेरिंग बना था तब से सही नहीं थी, या ड्यूरिंग ऑपरेशन चेंज हो गई। अब ड्यूरिंग ऑपरेशन कैसे चेंज होती है? आपने बेरिंग को ऑयल में गर्म किया,
अब ऑयल में गर्म होते होते उसका टेम्परेचर 151 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गया फॉर एन इंस्टेंस। जब ऊपर गया तो आपने कहा कि अच्छा इसकी तो हार्डनेस डिस्टर्ब हो गई। इंडक्शन हीटर पे आपने किया, समहाउ उसकी वो गेज नहीं काम कर रही थी, टेम्परेचर गेज। तो वो टेम्परेचर अगर 150 पे चला जाएगा, 150 इज द लिमिट जहां पे हार्डनेस डिस्टर्ब हो सकती। तो हम क्या कहते हैं, 110 डिग्री पे आमतौर पे छोटे बेरिंग को गर्म करें, बड़े बेरिंग मीडियम साइज बेरिंग को 115 तक गर्म कर लें, थोड़े लार्ज साइज बेरिंग को 120 और मैक्सिमम 25 पे चले जाएं, तो 25 के अंदर अंदर रहें। और खास तौर पे उसमें ये ख्याल रखा जाता है कि अगर हमारा हीटर यहाँ पे है इलेक्ट्रिक कनेक्शन और यहाँ हम गर्म कर रहे हैं और शाफ्ट हमारी वहाँ पड़ी हुई है 20 फीट दूर, तो ये टेम्परेचर ड्रॉप भी कैलकुलेट करना है। एम्बियंट टेम्परेचर अगर यहाँ पे आप गर्म करके माउंट कर रहे हैं और मरी में कर रहे हैं तो डिग्री का फर्क डालना पड़ेगा ड्रॉप की सूरत में, ताकि माउंट करते हुए बेरिंग फंस ना जाए, वरना फिर निकालेंगे बेरिंग डैमेज हो जाएगा, फिर चढ़ाएंगे तो वो रिस्की है। तो बेरिंग के साइज के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से इंडक्शन हीटर सिलेक्ट करके आप उसका टेम्परेचर सेट करते हैं और फिर आप उसको माउंट